वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। और कोरोना हमें कहीं बाहर जाने नहीं दे रहा और बारिश हमें शूट करने नहीं दे रही, फिर भी आज हमने डिसाइड किया, अब इतना महंगा कैमरा लिया है वाटरप्रूफ, तो बारिश में भी शूट करेंगे। तो आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं बेकिंग सोडा के ऊपर, और वीडियो को पूरा देखिए, कंटिन्यू कीजिए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास अभी दो टॉपिक है। एक तो हम कपास के ऊपर बना सकते हैं, कॉटन से उसकी खेती कैसे की जाती है, उससे धागा कैसे बनता है, फिर उससे कपड़ा कैसे बनाया जाता है, तो वो एक हमारे पास टॉपिक है। दूसरा है जो नील के ऊपर हम बना सकते हैं, जैसे आपने ये ऐड सुना होगा ना कि आया नया उजाला चार बूंदों वाला, तो वो चार बूंद जो नील है, वो नील एक्चुअली एक प्लांट से तैयार किया जाता है, उसका फार्मिंग होता है। तो किस तरह से वो फार्मिंग की जाती है और उससे नील कैसे बनती है, वो एक बना सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा वीडियो देखना है, कॉटन के ऊपर चाहिए या नील के ऊपर चाहिए। बाकी फिर अपना सोडे को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो मेरे को लगता है बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि बेकिंग सोडा क्या होता है और बेकिंग पाउडर क्या होता है, क्योंकि मैंने पीछे बेकिंग सोडा के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में, बट लोगों ने मुझे नीचे कमेंट में बोला कि भाई बेकिंग पाउडर होता है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और जो बेकिंग पाउडर होता है उसके अंदर भी बेकिंग सोडा ही होता है, बट उसके अंदर और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं। वो क्यों जाती हैं, क्योंकि जैसे आप बेकिंग सोडा किस लिए यूज़ करते हो, जनरल पब्लिक को तो यही पता है कि वो केक और पेस्ट्रीज़ में डलती है या फिर पकौड़ों में डलती है। उसका रीज़न ये होता है कि पकौड़े या फिर जो केक और पेस्ट्री है उसको फुलाना, उसको फ्लफ़ी बनाना। फ्लफ़ी कैसे बनता है, आप अगर बेकिंग सोडा जब एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर से गैस निकलती है और वो बबल्स क्रिएट होते हैं, और वो बबल जब हम बेक करते हैं या फ्राई करते हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, तो ये उससे फ्लफ़ी बन जाता है। सेम चीज़ वैसी है, बस बेकिंग सोडा में दिक्कत ये है कि उसको जो गैस जनरेट करने के लिए ना उसके अंदर चीज़ें डालनी पड़ती हैं, या तो आप विनेगर डाल सकते हो या तो आप नींबू को निचोड़ सकते हो, तो एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम डालते ही वो जल्द, ऐसे आप घर पे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे ही नींबू डालोगे वो बुलबुले आने चालू हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक सोडा के अंदर था, बट इसको ओवरकम करने के लिए अभी बेकिंग पाउडर बनाया गया है। बेकिंग पाउडर में बेसिकली 1/3 बेकिंग सोडा होता है, साथ में उसके ऐड किया जाता है कॉर्नस्टार्च और एक एसिडिक मीडियम ऐड किया जाता है, क्योंकि अलग से आपको नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करते हो, मैदा या फिर कोई बैटर है उसके अंदर बेकिंग सोडा डालते हो, मिक्स करने के बाद जब आप बेक करने जाते हो, जब उसको टेम्परेचर देते हो ना, तो टेम्परेचर देने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बबल्स छोड़ना चालू कर देता है, वो गैस निकलती है, बबल निकलती है, उससे वो आपका जो केक है वो राइज हो जाता है, और उसको आप बेक करते हो तो वैसे का वैसा रह जाता है। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो अब बोलोगे आप ये राइज क्यों हो रहा है, तो राइज होने के पीछे का जो प्रिंसिपल है या फिर कौन सी गैस जो जनरेट कर रहा है उसके पीछे मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में बता दूंगा कि वो क्यों राइज होता है। तो बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के, अगर आपको कोई कल बोलेगा तो बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा ही होता है, बस एसिडिक मीडियम उसमें ऐड किया जाता है। तो हम आ जाते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में कि ये जो बेकिंग सोडा है वो बनता कैसे। तो बेकिंग सोडा बेसिकली दो प्रकार से बनाया जाता है, एक तो इसकी डायरेक्ट माइनिंग होती है, ज़मीन के अंदर बहुत से इसके डिपॉजिट्स होते हैं तो वहाँ से माइन किया जाता है, जैसे अमेरिका में नेब्रास्का नाम की जगह है तो वहाँ पे इसके डिपॉजिट पाए जाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे ड्रिल करके वहाँ पे नमक का पानी डाला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन को डाल के बेकिंग सोडा उसमें मिक्स होता है और फिर वो वापस से वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उसको अलग किया जाता है। तो ये हमारी नेचुरल प्रोसेस है निकालने की। दूसरा होता है कि केमिकली इसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो केमिकली प्रोड्यूस करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। तो बेसिक दो रिएक्शन है, उससे ही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें लगता है NaCl यानी कि हमारा नमक, तो इसी और दूसरी चीज़ है लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है। तो ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है वहीं पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर ये जो है ये गुजरात में बनाया जाता है, गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इसे बनाया जाता है, वहाँ पे दोनों के डिपॉजिट बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिले जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें यूज़ किया जाता है NaCl यानी जो हमारा खाने वाला नमक रहता है वो, और उसे रिएक्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया गैस से। तो केमिकल रिएक्शन जितना देखने में इजी है उतना बनाने में नहीं है, क्योंकि
इसके अंदर अमोनिया गैस को हैंडल करना होता है जो बहुत ही डेंजरस होती है, तो इस वजह से इसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। अब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक बार बताया था कि ये जो बेकिंग सोडा एसिड्स के साथ रिएक्ट करने के बाद एक गैस बाहर निकालता है, जिसकी वजह से हमारा पेस्ट्री और केक जो है वो फूल जाता है। अब वो गैस कौन सी होती है, तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम सोडा बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें लाइमस्टोन और नमक जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वहाँ पे उगाया जाता है, इसीलिए ये गुजरात में बनता है। तो लाइमस्टोन कैसा होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है लाइमस्टोन, या इसे चूना पत्थर बोलते हैं, जैसे हम चौक बनाने के लिए यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो हम खेती में भी इसे यूज़ करते हैं स्प्रेइंग के लिए। तो ये चूना पत्थर जो है ये यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। इसका ना मैं बहुत दिनों से आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता था कि जब हम इसे, अब नॉर्मल टेम्परेचर पे है ये पानी हमारा, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, पर जब हम इस लाइमस्टोन के अंदर पानी डालते हैं तो तुरंत ही ये, अब थोड़ी देर में आप देखना, ये उबलना चालू हो जाता है। जैसे इसके अंदर पानी डाला, ये पानी अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये देखिए ये उबलना स्टार्ट हो गया। विद इन 1 मिनट इसके अंदर ये इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है पानी के साथ कि ये उबलने लग जाता है। आप इसमें कुछ पका भी सकते हो अगर आप चाहते हो तो, इतना हाई टेम्परेचर रहता है इसका। तो बहुत कूल है, मेरे को बहुत कूल लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो में ये लाइमस्टोन का ज़रूर दिखाऊंगा। इसके अंदर से गैस भी आना चालू हो गया, देखो ये तो। कितना विगरसली उबल रहा है ये, लिटरली इसको हाथ नहीं लगा सकते आप। तो कुछ ऐसी थी जिसके अंदर ये बेसिक से जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं इनको यूज़ करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है, उसके मैंने आपको यूजेस बताए। एक और चीज़ है, बहुत से लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में भी कंफ्यूज होते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके डिफरेंस इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा और बहुत ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। तो हम देखेंगे, वैसे तो मेरा अभी तक फोकस यही है कि फार्मिंग रिलेटेड या फूड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसी के ऊपर बनाएं। अगर हम जनरल में चले जाएं तो फिर बहुत ही अलग सा खिंच जाता है चैनल। तो वॉशिंग सोडा के ऊपर आपके पास मिल जाएगी इन्फो, या फिर कभी मूड बना तो बना देंगे कैसे बनता है। तो ये था पूरा प्रोसेस बेकिंग सोडा का, होप आपको पता चला, डिफरेंस पता चला होगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच में। कभी आपको अगर एसिडिटी हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एसिडिटी हो तो आप बेकिंग सोडा में नींबू डाल के पी लीजिए, इनो भी सेम काम करता है। या फिर दूसरा बेस्ट एग्जांपल है चूना, जो तंबाकू में यूज़ होता है, छोटी सी गोली लेके पानी में मिला के पी जाइए, आपको इंस्टेंट रिलीज मिलेगा एसिड से, क्योंकि एसिड का पीएच हमारा 7 से नीचे होता है, 4, 5, 6, और जो चूना या फिर जो बेकिंग सोडा है उसका पीएच हमारा हायर साइड में होता है। तो वही अगर आप दोनों उसको कंज्यूम करते हो तो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करके 7 पीएच ले आता है, जो हमारे नॉर्मल वाटर का रहता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम आपको आगे के वीडियोस में बताते रहेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आए, और अगला वीडियो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप कॉटन के बारे में देखना चाहते हो या नील के बारे में। और पापा की और मेरी भी इस पर बहस हो रही है कि पापा बोल रहे हैं कि ये नील के ऊपर बनाओ, मैं सोच रहा हूँ कॉटन के बारे में बताते हैं। तो आप कमेंट में करके ज़रूर बता देना कि आपको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो ठीक है, फिर चैनल को पसंद किया, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जरूर बताना कॉटन या नील। हाँ ठीक।